हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के परिचय समारोह का हुआ आयोजन। सीएम योगी ने कहा न्यायिक प्रक्रिया में अधिवक्ताओं की होती है अहम भूमिका। अधिवक्ताओं के हित के लिए तथा उनके सहयोग के लिए प्रदेश सरकार करेगी हर संभव प्रयास। बढ़ाई जाएगी अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों का मुख्यमंत्री ने किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 60 छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित, कहा हमें शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए करना चाहिए प्रयास। छात्र छात्राओं को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की होनी चाहिए जानकारी। लार्जेस में हो रही नियुक्ति पर रेल मंत्रालय की रोक के विरोध में रेल मजदूरों ने निकाली रैली, मनाया काला दिवस। संविधान से स्वाभिमान तक और संविधान बचाओ सम्मेलन कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच संवाद स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। और गुलबर्गा विश्वविद्यालय कर्नाटक में हुई अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में गोरखपुर विश्वविद्यालय की फूलनपाल ने जीता रजत पदक और महिला टीम ने टीम चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक।